गया। ओके, प्रातः हाँ वंदन सभी को। बच्चों, दो लाइन की प्रार्थना के साथ हम आपका आज का सेशन शुरू करते हैं। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। इन्हीं प्रार्थना के साथ अपने हाथ में बच्चों आज स्केल, पट्टी और गोला प्रकार साथ में रखना, क्योंकि हम रचना करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग स्टेप लिखते जाना, ताकि आपको बाद में हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना रचना। चौथे पाठ में भूमितीय रचनाएं हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, भूमितीय रचना। आज उसके अगली कड़ी में हम सीखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने समरूप त्रिभुजों की रचना सीखी है, अलग अलग त्रिभुज, दो अलग अलग जिसके अलग अलग शीर्ष बिंदु होंगे, ऐसे त्रिभुजों की रचना हमने सीख ली है। आज हम ऐसी रचना सीखेंगे जिसके सभी तीन त्रिभुज या दो त्रिभुज, इनके शीर्ष बिंदु एक होंगे। अर्थात आप ध्यान दोगे तो ये तीन त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके शीर्ष बिंदु एक है। सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है, इनकी भुजाएं अलग अलग, अर्थात ये दो शीर्ष बिंदु अलग हो रहे हैं। तो ऐसे त्रिभुजों की रचना आज हम सीखने वाले हैं। इस रचना के पहले हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि आज इसमें एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट बात है, सर्वांग समकोण। अगर कोई कोण दिया हुआ है, उसके सर्वांग समकोण की रचना हम कैसे कर सकेंगे, तो बहुत सरल है। सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है, हम इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। इस कोण के सर्वांग सम हमें कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले एक भुजा तो हम खींच लेते हैं, एक भुजा समझो ये हमारा बी बिंदु हुआ। अब दूसरी भुजा के लिए हमें इसकी मदद लेनी होगी, तो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी त्रिज्या लेकर हम इस कोण का एक चाप लगाएंगे, एकदम शीर्ष बिंदु पे रखकर चाप लगा देंगे। जितनी त्रिज्या ली है उतनी ही इस बी पर भी रखकर चाप हम लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें दो इन दोनों के बीच की दूरी, जो हमने चाप लगाई है इसके कोण के बीच की दूरी को नाप लेना है। देखो हमने अच्छे से अब इसको चाप लगा देंगे, थोड़ा सा फर्क आ गया है। चाप लगाने के बाद जितनी दूरी हमने ये नापी है उतने ही इस भुजा पर जो हमने चाप काटी है, चाप लगाया है, उसी पे केंद्र मानकर हम यहाँ पर भी चाप लगा देंगे थोड़ा सा। अब ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेदित होते हैं उस बिंदु को मार्क करके बी से इसे मिला देंगे, और जो यह किरण होगी या जो यह रेख होगा, यह इसके ठीक सर्वांग सम कोण की रचना बन जाती है। यानी ये कोण सर्वांग सम इस कोण के बिना चांदा का उपयोग किए हुए दिए गए कोण के सर्वांग सम कोण की रचना, जो आने वाले हम इस त्रिभुज की रचना में उपयोग करने वाले हैं। तो चलो आज हम चलते हैं 4.1 के दूसरे सवाल पर। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है और उसे हम कैसे हल करेंगे। दूसरा सवाल, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझ के आगे बढ़ेंगे।
4.1 का पहला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल टी आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दिया है 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर और पी आर 4.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल टू 3/4। तो त्रिभुज पी क्यू आर की रचना और त्रिभुज एल टी आर की रचना हमें करनी है। बच्चों सबसे पहले हम त्रिभुजों को देखेंगे कि अब तक हमने देखा था कि त्रिभुजों में शीर्ष बिंदु, कोई भी शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं थी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु सामान्य है, ये हमें सामान्य दिखाई दे रहा है। अर्थात अब हम क्या करते हैं, और दूसरी चीज देखेंगे कि पी क्यू और एल टी का अनुपात 3/4 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो शीर्ष बिंदु सामान्य है, इसका मतलब कि हमें इस तरह से समान शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज बनाना है। लेकिन ये जो इनके दो शीर्ष बिंदु अलग अलग है, तो पहले ये पता करना है कि कौन सा त्रिभुज छोटा है और कौन सा त्रिभुज बड़ा है। तो इसके अनुपात से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा पी क्यू, यानी कि जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसका अनुपात 3 है और एल टी आर का अनुपात 4 है। बड़ा कौन सा हुआ, एल टी आर, यह त्रिभुज बड़ा है, इसको हम कहेंगे ये बिग है, और पी आर ये है स्मॉल वाला त्रिभुज। अब उसके आधार पर हम कच्ची आकृति बना लेते हैं। हमारी कच्ची आकृति क्या कहती है और जो भी इंफॉर्मेशन है, तो अब आर सामान्य है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने त्रिभुज को, जो त्रिभुज का जो नाम है उसको आर को पहले, क्योंकि जो दोनों में मुखिया है कौन है, आर जो मुखिया है दोनों में है, तो उसको हम मुखिया मान लेते हैं। तो उसको सबसे पहले ले लेते हैं आर, और जिस ऑर्डर में इसको पहले त्रिभुज का नाम हम ले जाएंगे उसी ऑर्डर में इसको भी ले जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा आर क्यू पी, और इसका नाम हो जाएगा आर टी एल, और इसी ऑर्डर में हम अपनी कच्ची आकृति को देखते हैं। आर क्यू पी आर टी एल, बच्चों ए भी हो सकती है और हमारी आकृति ऐसी भी हो सकती है कि मतलब आर, कोई आर ऊपर से जाकर नीचे आ रहा है, कोई हो सकता है नीचे से जाकर ऊपर जाए। तो हमारी आकृति कच्ची ऐसी भी हो सकती है कि आर पी क्यू आर एल टी। तो किसी एक आकृति को लेकर हम इसकी कच्ची आकृति के अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास दो विधि है, एक तो जो हम पूर्व पढ़ चुके हैं उसके आधार पर, और एक दूसरी विधि है। तो हम दोनों विधि की चर्चा कर लेते हैं कि इसको कैसे हम हल करेंगे। हमने नाम ले लिया था और उसी अनुसार आर क्यू पी समरूप त्रिभुज आर टी एल है। तो समरूपता के जैसे हम नाम लेते हैं उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। तीनों त्रिभुजों का अनुपात समरूप होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले दो इसके दो, इसके बाद में दूसरा दो और ये, और फिर तीसरी भुजा। इस तरह से हम अनुपात लिखेंगे आर क्यू, तीनों भुजाओं का, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो तीनों भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो आर क्यू बटे आर टी बराबर क्यू पी बटे टी एल बराबर आर पी बटे आर टी एल। और हमें सवाल में क्या दिया है कि पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल टू 3/4। तीनों अनुपात और एक अनुपात अगर दिया है तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए ये सभी बराबर होंगे 3/4 के। अब हमें PQR यानी जो हमारा स्मॉल त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं का माप हमें दिया है। तो हमने कच्ची आकृति में रखा है और यहीं से हम अपना मान यहाँ रखते जाते हैं, इसलिए RQ यानी क्यू आर 5.4 अपॉन आर टी बराबर क्यू पी यानी कि पी क्यू 4.2 अपॉन टी एल
बराबर आर पी यानी पी आर 4.8 अपॉन आर एल बराबर 3/4। बच्चों इस कक्षीय आकृति में हमने अगर हमें ये छोटा त्रिभुज हमने बना लिया तो अब बड़े त्रिभुज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आर टी चाहिए और आर एल। अगर हमें ये टी बिंदु मिल गया और आर एल बिंदु मिल गया तो टी एल हम मिला सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, अब हमें आर टी यानी कि ये और आर एल ये दोनों भुजा निकालनी है, टी एल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम एक एक करके इस अनुपात को और इसके बराबर लिखेंगे, और ये पहला अनुपात हुआ, और आर एल ज्ञात करने के लिए ये हम दूसरा अनुपात लेंगे और इसके बराबर लिखेंगे। तो चलते हैं फटाफट हम एक एक अनुपात को लेकर इसको हल कर लेते हैं। तो पहला 5.4 अपॉन आर टी इक्वल टू 3/4 और 4.8 अपॉन आर एल बराबर 3/4। अब बच्चों जो पद हमें ज्ञात करना होता है, हमेशा याद रखना जो अनुपात होगा, जो पद हमें ज्ञात करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। अब क्लास में कोई भी मस्ती करे मॉनिटर को पहले बुलाना पड़ता है, तो समझो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो आर टी गुड़े इसका तिरछा कौन है, तिरियक 3 बराबर 5.4 गुड़े 4, इसलिए आर टी बराबर 5.4 गुड़े 4 बटे, और इसके साथ ये भाग है तो आ जाएगा बटे 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, दशमलव का भाग देना है, जिसे दशमलव का भाग नहीं आएगा बच्चों उस जरा सीख लेना। इसको भाग देंगे तो हमें कितना उत्तर आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24 गुड़े 4। अब इसका गुड़ा करेंगे, दशमलव का गुड़ा भी है, इसलिए आर टी बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 72 यानी 7.2। दशमलव का गुड़ा, दशमलव का भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे नहीं आएगा बच्चों इसका रिवीजन जरूर कर लेना। इसी तरह से हम 4.2, अब हमें आर टी मिल गया है, आर टी हमें मिला 7.2। अब हम चलते हैं आर एल की तरफ, इसी तरह ठीक आर एल को पहले लिखेंगे, आर एल गुड़े 3 बराबर 4.8 गुड़े 4, इसलिए आर एल बराबर 4.8 गुड़े 4 बटे 3। इसी तरह से भाग दे देंगे और हम आर एल का माप निकाल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 18। तो 3 से भाग दिया हमें 1.6 मिला और गुड़े 4, इसलिए 16 × 64 आर एल कितना आ गया, 6.4 सेंटीमीटर, और ये आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो आकृति में ये निकालने के बाद हम कच्ची आकृति में इसका मान रख देंगे, या तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपने सवाल में कि हमें कितना मिल गया आर टी, आर टी मिल गया 7.2 सेंटीमीटर और आर एल मिल गया हमें 6.4 सेंटीमीटर। हमने सारी जानकारी इकट्ठे एक जगह लिख ली है, अब हम कहते हैं रचना। तो हमने ये दो भुजाओं का मान निकाल लिया है, अब हम इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले रचना करते समय हम अपने एक एक जैसे हमने कच्ची आकृति बनाई है उसी के अनुसार हम जाएंगे। कितना है हमारा आर पी छोटी, अब हमें आर एल भी मिल गया है और आर पी भी मिला है, तो पहले आर पी की रचना करते हैं। आर पी हमें दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 0 और इसके बाद 4.8 × 5 = 2 यहाँ ये हमारा मिल गया, और हम नाम रखते जाएंगे, ये आर है और ये पी है, और इसके इसको हम और आगे भी बढ़ा देंगे क्योंकि यही कहीं ना कहीं हमें क्या मिलने वाला है, आरएल। आरएल कितना मिल गया हमें, 6.4, तो ये भी बिंदु हम लिख लेते हैं 6 और 6.4। यहाँ आगे मिला के यहाँ पे 6.4 की भी मार्किंग कर लेंगे, 5 6
और 6.4, और इसको मिला देंगे, ये बिंदु अ और ये बिंदु मिला हमें यल। ठीक, अब हमें 5.4 का आर्क लगाना है और यहाँ से 4.2। तो पहले आर पी क्यू को हम कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। तो हमें 5.4 हम कहीं एक जगह माप के ले लेते हैं, 5.4 ये है, 5.4 का नाम लिख लेते हैं, क्या है, आर क्यू, और हमें जरूरत पड़ेगी पी क्यू की। पी क्यू कितना है, 4.2, 4.2 इसको भी। अब ये दोनों हमें समझो कि हमने यहाँ ले लिया है और इसको अभी यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आर क्यू को नाप लेंगे हम, आर और क्यू। अब क्यू तो हमें मिला नहीं, लेकिन आर बिंदु है, आर बिंदु से आर को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे। और पी क्यू, पी क्यू को भी नाप लेंगे हम, मेजर कर लेंगे अपने गोला प्रकार में, ये हो गया हमारा। और क्योंकि पी क्यू हमें नहीं ज्ञात है, पी बिंदु है, तो पी को केंद्र मानकर इसे हम चाप लगाएंगे। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से हमें बिंदु मिलता है, कौन सा बिंदु मिलेगा, क्यू, ये हमें मिला क्यू। अब इसे हम मिला देते हैं आर के साथ। बच्चों अब हमें आर टी भी पता है, तो हम यहीं से रेखा को आगे बढ़ाएंगे और ये तो मिल गया हमें ये वाला त्रिभुज, और अब इसे कितना आर टी हमें कितना मिला है, हमने कैलकुलेट किया है 7.2। तो हम यहीं से 7.2 का भी मेजरमेंट करके, क्योंकि ए रेखा हमें, अगर हमें रेखा नहीं ज्ञात होती है तो हम त्रिज्या चाप द्वारा करते हैं, लेकिन अब यही रेखा हमें पता है कि इसी रेखा पर ये भुजा है, इसलिए हम ऐसे यहाँ से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 7.2 ये हमें मिल गया टी। जब हमें टी मिल गया और यल मिल गया तो हम इसे मिला देते हैं और हमारा त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है आर क्यू, आर क्यू पी, आर टी यल। ये तो हुई एक विधि कि पहले जो दो उनके विश्लेषण करके उनके भुजाओं का माप ज्ञात करके तब हमने क्या किया। अब इसी इसी त्रिभुज को हम एक और विधि से हल करते हैं। देख, हम मेजरमेंट हमने लिया है, फिर से हम हमें इसमें सबसे पहले आर क्यू पी की रचना करनी होगी। तो हम आर क्यू पी की रचना कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो जो भी मेजरमेंट लिया था हम फिर से लिख लेते हैं, आर पी 4.8 सेंटीमीटर, आर क्यू 5.4 सेंटीमीटर और पी क्यू था 4.2 सेंटीमीटर। हम फिर से अलग पेज पर उसकी रचना करते हैं। ये एक विधि हुई, अब हम इसको सेकेंड विधि से कर रहे हैं। तो हमने मेजरमेंट यहाँ लिया है, इसलिए एक भुजा आर पी मैं यहाँ सिर्फ खींचूंगी, आर पी, और आर पी है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर हमने ले लिया और इसका नाम हम रख देंगे आर पी, और कितना है 4.8। और जैसा कि हमें 5.4 आर क्यू ले लिया था, वही मेजरमेंट हम मैं यहाँ ले रही हूँ रचना करने के लिए त्रिभुज की। आर क्यू आर से रखकर चाप लगाया और पी क्यू भी यहीं से मेजर ले रही हूँ। और अब पी पे रखकर चाप लगा दिया, तो ये त्रिभुज बना हमारा जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही।
अब ये इस किरण को जो हम इसको हम थोड़ा लंबा ही खींचेंगे, और इसको मिला देंगे पी के साथ, एक त्रिभुज हमारा बन गया। अब दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए, अब इस किरण को हमने जैसे आगे बढ़ा दिया और इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम क्यू है, हम क्यू इसका नाम लिख देंगे। इस किरण को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। इसके बाद दूसरी रचना में हम इसके आर के साथ एक ऐसा तिरछी रेखा या कोण बनाते हुए एक तिरछी रेखा खींचेंगे, और अपने सवाल को थोड़ा सा हम फिर से देखते हैं। इस विधि के लिए हमारा अनुपात दिया है 3:4, तो इस अनुपात में सबसे बड़ा बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो हम इसको 4 खंडों में, चार ये जो हमारी हमने तिरछी लाइन खींची है, इसे 4 चाप लगाएंगे, 4 खंड में बांटेंगे, और फिर हम आगे का पहले चार, और सबसे पहले मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उतने का ही हम चाप लगाएंगे। 4 है तो 4, और बाकी सवालों में अगर 5/7 होगा तो हम 7 लेंगे, जो सबसे बड़ा होता है उसी का हम चाप लगाते हैं। तो अभी हम इस रेखा पर 4 एक उचित, और ये जो संख्या आप लोगे तो इसे 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के लगभग के बीच में लेना, ना ज्यादा बड़ा करना और ना ही ज्यादा छोटा, तो 1.5 से 2 के आसपास का ये आप चाप लगाना। तो कितने कदम हमें चलना है आर से? आर से हमें 4 कदम आगे बढ़ना है। तो ये हुआ 1 कदम, ये 2 कदम, और ये 3, और ये 4, बस हमें 4, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी थी? 4 है। तो हम इसका नाम रख देंगे R1, R2, R3 और R4, क्योंकि ये R जो है 4 कदम चला है। अब हमारे सवाल में क्या था? PQ3 है, तो हम PQ की जो इस है इसे हम 3 के साथ जोड़ देंगे। यहाँ बच्चों हम समांतर रेखा कसौटी से सर्वांग समकोण बनाएंगे और फिर अगले त्रिभुज की रचना करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने रिवीजन में लिया था कि हमें सर्वांग समकोण बनाना है, तो इस जो यहाँ कोण बना है इसी कोण के सर्वांग समकोण हमें R4 पे बनाना है। जब यहाँ बनेगा तो हम समांतर रेखा खींच सकेंगे। यहाँ कौन सा विचार आता है कि संगत कोण, ये संगत कोण बनेंगे, और जब संगत कोण सर्वांग सम होते हैं तो ये रेखा समांतर होती है। तो हम क्या करेंगे, जो R3P पे कोण बना है उसी के सर्वांग सम कोण हम बनाएंगे। तो हम चाप लगाते हैं उचित लेकर, R3 पे रखकर हम चाप लगाएंगे। जितनी दूरी हमने ली है उतनी ही दूरी लेकर, उतनी ही त्रिज्या लेकर R4 पर भी चाप लगाएंगे। इसका चाप थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही करते रहना। अब हम इस भुजा से इस भुजा के बीच की दूरी नापेंगे। ये हमने इस भुजा पे रखा और इस भुजा पे हमने देखा कि कोण कितना बना है, एकदम देख लो ठीक है। अब इसी भुजा पे जिस चाप को काटा है, इसी भुजा के चाप जहां प्रतिच्छेदित करता है वहीं रखकर हम दूसरा चाप लगाएंगे। देखा बच्चों, ये जहां प्रतिच्छेदित होता है इस रेख बिंदु को R4 से मिला देंगे। अब हम मिलाते हैं इन दोनों को, ये मिला दिया, और हमें ये कौन सा बिंदु मिल गया? P मिला था, ये बिंदु मिल गया हमें L। अब हमें क्या करना है, जो कोण यहां पर है वही कोण सर्वांग सम हमें यल पे बनाना है, तब हमें बिंदु मिलेगी और हम इसे मिला देंगे और हमें मिल जाएगा टी। तो चलते हैं, हमने चाप लगा दिया और ठीक यल पे रखकर भी हमें सेम ऐसे ही चाप लगा देना है। अब क्या करना है हमें, इनके बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के कोण जो बने हैं उन भुजाओं के बीच की दूरी हम इस तरह से नाप लेंगे।
हमने नाप लिया, अब इसी भुजा पर जो चाप काटा है उसी भुजा पे इसे केंद्र मानकर फिर से हम चाप लगाएंगे और इस तरह से हमें क्या मिला, एक और बिंदु मिल गए। इस बिंदु को और यल बिंदु को, क्योंकि हमें लाइन खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए होती है, अब हमें ये दो बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदु से हम रेखा खींच देंगे। और हमें मिल गया हमारा टी, ये हमें मिल गया टी। इस तरह से हम दूसरी विधि, इसमें हमें विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कच्ची आकृति अच्छे से बनाइए, इसके बाद इस आकृति को बनाएं। इसको हम कुछ बच्चे फिश विधि या यू कहो कि रॉकेट विधि, दोनों तरफ से दो कोण दिखाई देते हैं, कोई कोई कहता है ये फिश बना रहे हैं हम, तो ये हुआ इस विधि से। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो हमें दूसरे सवाल में भी यही मेथड इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझा होगा। तो दूसरे सवाल में इतना ज्यादा हमें एएमटी, एएमटी जल्दी से सवाल हम देख लेते हैं, इसके बाद हम रचना करते हैं। एएमटी है समरूप त्रिभुज AHE। AMT में AM दिया है 6.3 सेंटीमीटर और कोण TAM दिया है 50 अंश। AT बराबर 5.6 सेंटीमीटर और AM अपॉन AH इक्वल टू 7/5। बच उसमें अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें A सामान्य दिखाई दे रहा है और कोण दिया हुआ है TAM बराबर 50 AT। AM और AH को इसको ध्यान से देखेंगे और पहले ये समझ लेंगे कि हमें हमारा त्रिभुज कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। AM यानी कि AMT हमारा इसका अनुपात कितना दिया है 7, यानी कि ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है। AH यानी ये स्मॉल त्रिभुज है। ये दोनों के बाद अब जब हमने इसमें इस सवाल में देखा था तो सबसे बड़ा अनुपात में जो संख्या बड़ी थी वो 4 थी। अब यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो कौन सी है, 7 है। तो हमें जब कितना चाप लगाना होगा, 7 कदम आगे बढ़कर ये चाप लगाना होगा। तो ये दो तीन चीजें हम अपने सवाल से ही समझ लेते हैं, इसके बाद कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति एक 60 अंश का है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और TAM 50 दी हुई है, AT का माप दिया हुआ है और AM का नाप दिया है। अर्थात जब हम कच्ची आकृति देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमें बड़े वाले त्रिभुज की सारी जानकारी दी है, तो हमें उसके अंदर अंदर वाला, अब जैसे अगर हम ये देखें तो हमें इस त्रिभुज में ये बड़ा त्रिभुज दिया है, लेकिन इसके केंद्र एक शीर्ष बिंदु पर बनने वाले इस छोटे त्रिभुज के दोनों शीर्ष बिंदुओं को हमें प्राप्त करना है। तो चलो कच्ची आकृति, बच्चों कच्ची आकृति जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कोई हो सकता है AHE यहाँ से जाए, कोई हो सकता है AHE यहाँ से जाए, तो हमारी कच्ची आकृति इस तरह से भी बन सकती है AHE AMT। बस हमारी शर्त यही होनी चाहिए कि हम जो त्रिभुज का नाम ले रहे हैं उसका फॉलो मी, जैसे कहते हैं ना फॉलो मी AMT, तो ये भी AHE, चाहे वो नीचे से जाए चाहे वो ऊपर से जाए AMT AHE। अगर इस तरह से जाते हो तो AHE AMT AMT, यानी आपको उसी हिसाब से जाना है। तो चलो अपनी कच्ची आकृति को देखते हुए हम अपने इस दूसरे त्रिभुज की रचना करते हैं। तब कच्ची आकृति देखने के बाद ही हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले कौन सी भुजा हमें खींचनी है। हमें सबसे पहले AT 5.6 खींचना है। AT 5.6 हमने 5.6 साथ साथ में नाम लिखते जाएंगे। ये है A और हमने T लिया और ये बिंदु T। अब जैसे कि इसमें हम थोड़ी सी अपने किरण को बढ़ा सकते हैं या बिंदु बराबर फिक्स करके थोड़ी सी आगे रेखा खींच सकते हैं। ये है हमारा टी
अब ए पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है, ए पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। बिल्कुल देखिए, ए के ए पर और ये लाइन एकदम अपनी भुजा के ऊपर है हमारे चांदे की, और हम 60 अंश का कोण बना लेते हैं। ठीक है, हमने मार्क कर लिया और अब हम इसे मिला देंगे। थोड़ी लंबी ही रेखा खींचेंगे तो भी चलेगा। ये हमारा बना 60 अंश का कोण। अब हम ए यम, यम को निर्धारित करने के लिए 6.3। अब इसी भुजा पर है तो हमें चांदे की गोला प्रकार से नहीं, यहाँ से ही हम 6.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही लाइन है। हमें इसी लाइन पर अगर रास्ता हो तो हम सीधे सीधे चले जाते हैं, रास्ता ना पता हो तो हमें ढूंढना पड़ता है, और जो हम गोला प्रकार की सहायता से चाप लगाते हैं। 6.3 हमें मिल गया यम बिंदु। अब यम को और टी को हम मिला देते हैं। ए यम टी की रचना हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, ए से एक ऐसी रेखा खींचनी है और इसके बाद कितने चाप लगाने हैं, ए को कितने कदम चलना होगा, 7 कदम चलना होगा, क्योंकि ए यम 7 है, 7। तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है अनुपात में उसी के उतने कदम, तो अपने गोला प्रकार से हम उचित दूरी लेकर 7 कदम चलेंगे। तो मैंने कहा जैसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, 1.5 के आसपास हम 1 से यहाँ से 7 कदम। 1 ये पहला ए से शुरू होता है और ये एक कदम हुआ, ये यहाँ पे रखकर दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवा। हमने 7 कदम चल दिए। अब इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब जो A7 वो AM है, तो AM हमें यानी कि इस बड़े त्रिभुज का, तो 7 से T को मिला देंगे, 7 A7 को, यानी सातवा अनुपात का जो है हम, क्योंकि वो बड़े त्रिभुज का है, हम उसको मिला देंगे। अब जो दूसरा अनुपात कितना है, 5 है, तो हमें 5 यानी A5 पर जितने अंश का कोण यहाँ बना है उतने ही अंश का कोण हमें A5 पर बनाना है, तब इसके समांतर रेखा हमें मिलेगी और बिंदु मिलेगा E, है ना बच्चे। तो फिर से हम वही एक उचित दूरी लेकर हम A से चाप लगाएंगे और जितना हम यहाँ लेंगे उतना ही A5 पर लेंगे, A5 पर भी उतना ही लेकर हम चाप लगाएंगे। चाप ऐसे लगाएंगे ताकि भुजा को ये प्रतिच्छेदित करें। अब कोणों के बीच की दूरी नापेंगे, इस कोण के बीच में और इस कोण, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, इस भुजा पे और इस भुजा पे हमने नाप ली है। अब इसी भुजा पे जो प्रतिच्छेदित किया है, भुजा पे जिस चाप को प्रतिच्छेदित करता है उसी पर रख कर हम चाप इसका भी लगा देंगे। जो ये चाप लगा हमें मिल गया एक बिंदु और उसको हम फाई, बच्चों जो चाप काटता है वहां से इसकी दूरी नापनी है, यहाँ से मतलब नहीं है, ये जो चाप काटा है वही, बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन में आते हैं ए फाई से, नहीं, जो चाप काटा है इसलिए मैंने कलर से बता दिया इसे। अब ये बिंदु और ए फाई को मिला देंगे, तो हमें ए फाई जो, और इसे हम मिला देंगे और ये बिंदु मिलेगा हमें ई। अब जो ई पर जितने कोण का अंश यहां पर बना है टी के ऊपर, ये टी है टी पर, उतने ही हमें ई पर बनाना है। तो यहाँ पर भी हम उचित, यहाँ पे कोण बहुत छोटा बन रहा है तो भी हम उतना ले लेंगे,
और ठीक ई पर रखकर भी हम चाप लगा देंगे। और अब हम इनके बीच की दूरी नापेंगे, यहां से यहां तक। अब यहां पर रखकर जो भुजा को चाप ने काटा है वहां पर रखकर हम चाप लगा देंगे, और जो ये बिंदु है और इस बिंदु को हम मिला देंगे। एक बिंदु हमें ज्ञात होती है, दूसरे बिंदु को ही प्राप्त करने के लिए हम सर्वांग समकोण की रचना करके एक प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करते हैं ताकि हम भुजा खींच सकें। ये हमने खींच दिया और हमें मिल गया यच। इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों की रचना कर ली, ए एच ई ए एम टी। बच्चों इस सवाल में सिर्फ आपको यही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके बाद कभी हमें बाहर की तरफ की भुजा कोण बना खींचनी पड़ती है, कभी अंदर की। जैसे इस सवाल में हमने अंदर वाला त्रिभुज बनाया, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सर्वांग सम कोणों के यानी दिए गए कोण के सर्वांग सम कोण की रचना करना। तो 4.1 में ये आपके दूसरा और चौथा सवाल ही ऐसा था जिसके शीर्ष बिंदु एक शीर्ष बिंदु सामान्य है और उसकी रचना करना। तो हमने दोनों त्रिभुजों की रचना कर ली है, ये 4.2 का चौथा सवाल है। तो अब मेरे ख्याल से मैडम टाइम हो गया, मैडम हाँ हो गया, हो भी गया। अब हाँ बच्चों को कुछ पूछना है, किसी को पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। चालू करके हेलो, हाँ रामाशीष माइक चालू करो बेटा। हाँ चल विश्वकर्मा माइक चालू करो। मनीषा कनौजिया माइक चालू करो। मैम दोनों विधि करना है क्या मैम? नहीं नहीं, आपको जो विधि सही लगती है समझ में आ गई है उसी विधि से आपको करना है, क्योंकि खाली दूसरे सवाल में ऐसा है कि दोनों विधि से कर सकते हैं, लेकिन जो चौथा सवाल है उसको उसी विधि से करना है, उसको पहली विधि से आप नहीं कर सकोगे। ओके मैम। लव कुमार पूछो। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीचर ये दूसरा का जो रचना था ना, हाँ ये थोड़ा नहीं समझ में आया। अच्छा क्या नहीं समझा, दोनों को तो यही था आपको। बेटा अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, YouTube पर चला जाएगा, आज दोपहर के बाद तुम देख पाओगे। हाँ अच्छा, आज मैं चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? सब तैयार हो गया YouTube चैनल, ठीक है। पूरा नहीं समझा ना वो वापस से देखने का, कुछ छोटा मोटा डाउट होगा तो पूछो जी, टाइम लगेगा। आशीष ठाकुर सर वो YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा ना आज तक? हाँ 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 सर दे रहे हैं, सर मेहनत तो इतना कर रहे हैं, इसलिए वही बोला था। बेबी चौरसिया हाँ टीचर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो लास्ट में मतलब बनाया था कोण उसमें जो हाँ, चाप आपने अपने मन से लिया था तो वो हम लोग कितना भी ले सकते ना आपने? हाँ लेकिन हाँ हाँ पूछ लो, पूरा प्रश्न पूछ लो। आपने जो पहला मतलब चाप मारा था तो उसमें आपने बोला 1.5 मीटर से ज्यादा लेना है, उससे कम नहीं लेना है, और फिर उसके बाद मेजर करके फिर कट किया था और फिर ऊपर कट किया था। हाँ रुको मैं बता रही हूँ, एक मिनट ये बराबर आपका डाउट मैं बताती हूँ। ये देखो जो यहाँ चाप ये वाला चाप लगा रहे हैं ना रेखा पर, वो 1.5 या 2 सेंटीमीटर के आसपास लगाएंगे, लेकिन जब हम कोण बनाते हैं ना ये वाला, ये कोण
तब इसको हम अपने कोण के हिसाब से दूरी अपने लेते हैं। इसमें सेंटीमीटर नहीं बताया मैंने, इस कोण को ऐसा काटो ताकि ये दोनों भुजाओं को काट सके। ये देखो, ये दोनों भुजाओं को काट सके, इसमें मैंने सेंटीमीटर नहीं बताया, मैंने सिर्फ यहाँ के लिए सेंटीमीटर बताया। ध्यान में आया? ध्यान में आया? हेलो मैडम, वो म्यूट हो गई है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया मैडम नेक्स्ट लेक्चर का, तो ओके फिनिश करते हैं मैडम। ओके 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 ओके, थैंक यू सर।